क्या हुआ? अरे तुम्हें इतनी जल्दी क्या? रुको ना एक मिनट। रुको मैं 1 मिनट लाता। इट्स ओके। और कितने एहसान करेंगे आप मुझ पर? छोटी सी चोट है, आई मैनेज। ये एहसान, इसे भी एहसान की कैटेगरी में डाल दिया तो? क्या हुआ? You okay? मैं पानी लेके आती। ये लीजिए पानी। It's just खांसी, I'll manage. पानी पी लीजिए। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये भी एहसान ही है ना? डाल दो इसे भी अपनी कैटेगरी में। पापा, पापा क्या सोच रहे हैं आप? उर्मी बेटा, सुमित और उसकी फैमिली ने जो किया हमारे साथ, हम उबर नहीं पा रहे हैं उस सदमे से। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिया के साथ हुए उस धोखे के जिम्मेदार हम हैं। पापा भूल जाइए उसे। ऐसा कैसे भूल जाए उर्मी, कैसे भूल जाए? सुमित का घर परिवार, उनका बिजनेस, उनकी रेपुटेशन, हर चीज की इंक्वायरी करवाई थी हमने। यहां तक कि खुद पर्सनली गए थे हम उसके घर। उसके बावजूद भी इतना बड़ा धोखा। बहुत हैरान है हम उर्मी, हम आई कांट गेट ओवर इट। हैरान तो हम भी हैं पापा, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो लोग आए ही नहीं। हाँ, अब कड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। दिया को इस घर की बहू बनना था, बन गई। जो होना था वो तो हो गया है। अब छोड़िए इस बात को। कैसे छोड़ दे इसे दामिनी, कैसे छोड़ दे इस बात को? वो लोग हमारे साथ इतनी बड़ी गेम खेल गए और हम हाथ में हाथ धरे चुपचाप बैठे रहे। हम इस बात की तह तक पहुंच कर ही दम लेंगे, पता लगा कर रहेंगे कि आखिर राज क्या है। ऐसा क्या था जो हम देख नहीं पाए? कौन था इस साजिश के पीछे, हम जान कर रहेंगे। और एक बार वो इंसान हमारे सामने आ जाए दामिनी, तुम देखना जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगे उसको। इतना बड़ा धोखा, I can't believe। पापा इट्स ओके, आप प्लीज अपना बीपी मत बढ़ाइए। उनका वक्त तो आएगा पापा, और जब वक्त आएगा तब सोचेंगे कि उनके साथ क्या करना है। हाँ, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आगे की सोचिए। जो छूट गया वो छूट गया। नहीं बड़े पापा,
सच सामने आप लेके आइए। आफ्टर ऑल हमें भी तो पता चले कि किसकी प्लानिंग है। राइट ईशानी, सच क्या है ये तो हम जानकर ही रहेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या बात है? आप सुमित और उसकी फैमिली को काफी बचा रही है, क्या छुपा रही है? मतलब? मुझे लगता है ये सारी सारी गड़बड़ आपने की है, ये सब आपकी प्लानिंग थी। सडनली दूल्हा एक्सचेंज हो जाना, सुमित का गायब हो जाना और शौर्य भाई घोड़ी पे चढ़ के दिया से शादी, ये सब आपकी प्लानिंग थी। हम ऐसा क्यों करेंगे ईशानी? क्योंकि आप हमेशा से दिया को भाई के पल्ले बांधना चाहती थी। और बड़ी माँ, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये सुमित और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है, ये किसकी प्लानिंग है? मामा, आपको क्या लगता है ये सब में हमारा हाथ है? मुझे क्या पता, मैं दूल्हे के साथ घोड़ी पर तो नहीं बैठी थी और ना ही मैंने दूल्हे को घोड़ी पर बैठने के लिए कहा था। लेकिन मुझे पता है कि इन सब में इनकी प्लानिंग है। हम तो भी हमेशा ही गलत लगते हैं ईशान, and I really can't help it. But I can. एक बार बड़े पापा को सच सामने लाने दीजिए, फिर देखिए कि जो आपकी so-called मदर इंडिया वाली इमेज है कैसे धरी की धरी रह जाएगी। इस दिन सच तुम्हें पता चलेगा निशा, सबसे पहले दिल तुम्हारा टूटेगा। क्या हुआ? वो है वहाँ। वो कौन? अरे वो कॉकरोच है वहाँ। How do you scared me? मुझे लगा पता नहीं क्या देख लिया। वो तो यहाँ के डायनासोर आएगा। वो कॉकरोच है वहाँ। क्या मेरी जान निकली जा रही है उसमें? कॉकरोच से आपकी जान निकल रही है? Seriously? I mean, कॉकरोच से डर लगता है आपको? लगता तो लगता है, क्या करूँ? तुम्हें नहीं लगता? तो भगाओ ना उसको। हाँ तो भगाती हूँ ना। तो जाओ ना। हाँ तो जा रही हूँ। जल्दी जाओ। अरे घर के कॉकरोच उड़ते, नीचे बैठो। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा। साया भी तेरा मैं होने ना दो जुदा, मैंने तय कर लिया। दिया के हाथों का नाश्ता खाके मजा आ गया, कमाल का नाश्ता बनाया दिया ने। दिया के हाथ की पहली रसोई। हाँ, बड़ी फास्ट है दिया, बड़ी जल्दी समझ गई इस घर के लोगों को, इस घर के लोगों की पसंद को, उनके टेस्ट को। बड़ी फास्ट है। बिल्कुल उर्मी की तरह।
Excuse me? मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे? सर आप कॉफी पीते हैं ना, तो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आ रही हूँ। एक मिनट, ये क्या है? तुम उसे सर क्यों बुला रही हो? तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब वो तुम्हारा पति देव है। You're right. मुझे जिंदगी भर सर बुलाती रहोगी। मामा जी आप बताइए क्या बुलाना चाहिए इसे मुझे? देखो भाई, पुराने जमाने में तो वही चलता था, ए जी, लो जी, सुनो जी करके बुलाते थे। आज तो नया ट्रेंड चल गया, जैसे सरनेम से बुलाना, मिस्टर सिन्हा बुला सकती है तुम्हें, या फिर वो प्यार वाले बेबी, हनी, स्वीटी। मामा जी हमारी बहू को तंग मत कीजिए। अरे मैं तंग नहीं कर रहा था, ऑप्शन दे रहा था। क्यों? तो दे, तुम्हें बता दो क्या बुलाओगी मुझे? कुछ भी बुला सकती, मगर प्यार से, विद लव। आंटी ने इतना अच्छा नाम तो दिया है आपको, शौर्य दिया। आज से तुम हमें आंटी नहीं, माँ बोलोगी। और दिया को जिसे जिस नाम से बुलाना है वो बुला सकती है, कोई उसे तंग नहीं करेगा। हाँ हाँ, जिस नाम से बुलाना हो बुलाए, बुलाए तो सही, हम तो हाजिर। आंखों का इशारा भी पढ़ ले, दौड़े चले आएंगे, लेकिन बुलाइए तो सही। ओके, एक्सक्यूज मी गाइस, हम रेस्टोरेंट के लिए निकल रहे हैं। अरे आज आज एनिवर्सरी है ना, कुछ स्पेशल होगा? स्पेशल है ना सर, आज हम अपनी बहू को अपने पूरे स्टाफ से मिलवाएंगे। रेस्टोरेंट आ रही हो ना बेटा? हाँ मां। बाय बाय मां। बाय नहीं, गुड बाय उर्मी। ससुराल में तुम्हारी बहू का पहला दिन तुम्हारा आखिरी दिन बन जाएगा आज। इसे कहते हैं दामिनी का शगुन। जिस तरह हंसती चहकती जा रही हो ना, उसी तरह आओगी नहीं वापस, आएगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश, तो सिर्फ तुम्हारी लाश। फोन उठाओ, फोन उठाओ। हाँ मैडम, बोलिए। बोलो क्या, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैडम, अच्छा सुनो, उर्मी घर से निकल चुकी है, रेस्टोरेंट की तरफ जा रही है, एक झटके में काम हो जाना चाहिए वरना। ठीक है मैडम। दामिनी, दामिनी, जल्दी फोन करो मुझे जैसे काम हो जाए। दामिनी। हाँ? तुम अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? अब क्या किया मैंने? दिया की शादी कराने का पूरा खेल तुमने रचा था। अरे अब तो अपना ये मुखौटा उतार फेंक दो तुम। कौन सा मुखौटा? वही मुखौटा जिसकी आड़ में तुमने इतना बड़ा कांड किया। ये सुमित के साथ क्या है? सुमित, अब सुमित शादी में नहीं आया तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि तुमने उसको आने नहीं दिया, इनफैक्ट वो खुद भी नहीं आना चाहता था। सुमित की माँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए उसी के साथ मिलकर तुमने दिया की शादी का ये झूठा नाटक रचा। तुम्ही ने उनसे रिश्ता लाने के लिए कहा, तुम्ही ने ये सब झूठी रस्में निभाई और तुम्ही ने सारा गंदा खेल खेला। दामिनी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम दिया को सारी दुनिया के सामने जलील करना चाहती थी। सिर्फ रस्में निभाई गई थी, बारात नहीं लाना चाहती थी तुम, और इसीलिए तुमने सुमित और उसके पेरेंट्स को बड़ी सफाई से यूरोप भेज दिया, राइट? उसके बाद तुमने दिया को मारने का प्लान बना लिया। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतनी गिरी हुई औरत निकलोगी। बस बस बस, सोच समझ के बोलिए। आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, ये घटिया जैसे वर्ड अगर आप मेरे लिए यूज ना करें तो अच्छा होगा। घटिया हो तुम घटिया, इसीलिए इतनी घटिया और नीच हरकत की है तुमने। हाँ किया है, हाँ किया है, किया है मैंने, किया है, किया है मैंने, किया है। की लड़की मेरे घर पर आकर मुझे बेइज्जत करने लगी,
तो मैं क्या करूँ? उसकी आरती उतारू, अपने घर के मंदिर में उसे बिठा दू क्या? चुप हो जाओ दामिनी, प्लीज, फॉर गॉड सेक। तुम्हारे इसी जहर ने हमारे पूरे घर को बर्बाद कर दिया, जानती हो तुम? तुम्हारी शय की वजह से तानी की जिंदगी में सम्राट सिंह राठौर आया और उसने उस शय को मात में बदलने के लिए इस घर में फूट डलवा दी और आखिर में हमारा इकलौता बेटा हमसे छिप गया। हमारा जिगर का टुकड़ा हमने खो दिया था भी तुम्हारी वजह से। सब कुछ देखते हुए भी हम चुप रहे। उर्मी भी खून का घूंट पीकर चुप हो गई बेचारी, लेकिन तुम्हारा जी नहीं भरा, तुम्हारा जी नहीं भरा दामिनी। उसके बाद तुमने ईशानी के दिमाग में उसकी खुद की मां के खिलाफ जहर भर दिया। अपने बदले की आग बुझाने के लिए तुमने एक मां को उसकी बेटी से छीन लिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? हम आखिर तक चुप रहे दामिनी, क्या नहीं किया तुमने? मैंने किया सब कुछ क्योंकि मैं नफरत करती हूं उर्मी से, बहुत नफरत करती हूं उर्मी से। उसने मुझसे मेरा बेटा छीना, उसने मुझसे मेरा ईशान छीना, मैंने उससे उसकी बेटी छीन ली, बेटी छीन ली। इतनी नफरत भर दी ईशानी के दिल में उर्मी के लिए कि इस जन्म में तो वो कभी उर्मी को मां का दर्जा नहीं देगी, कभी नहीं देगी। शर्म आती है हमें ये कहते हुए कि तुम हमारी पत्नी हो। अरे जो औरत अपने पति की, अपने बच्चों की सगी नहीं हो सकती, वो भला किसी और की सगी क्या होगी? घिन आ रही है हमें तुमसे। एक औरत पर हाथ उठाने वाले मर्द को आज उसी औरत पर घिन आ रही है। बस बस दामिनी, अब हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? मारेंगे? हाथ उठाएंगे मुझ पर? क्या कर लेंगे आप? अरे आज तो तुम हमारे थप्पड़ खाने के लायक भी नहीं रही। अब एक ही रास्ता है, तुमसे तलाक लेने का। तुमसे तलाक लेने का? हाँ दामिनी, हाँ दामिनी, तलाक, तलाक। अब एक छत के नीचे, हम तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकते। अब तुम बर्दाश्त के भी बाहर हो, बर्दाश्त के भी बाहर हो, और हमारे इस घर से भी बाहर।